क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में जब जब भाजपा सरकार आती है खाद की किल्लत होती है, यूरिया डीएपी और पोटैश कालाबाजारी बिकता है। उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है खाद के व्यापारियों के साथ गठबंधन करके खुद ब्लैक मार्केटिंग कराती है और उससे अवैध धंधा करके पैसे कमाते हैं। 10 साल तक मेरे मुख्यमंत्री काल में हमने पूरी खाद का वितरण सहकारिता के माध्यम से हम कराते थे। मेरे साथी सुभाष यादव जी मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कृषि विभाग के मंत्री रहे थे और उन्होंने बिल्कुल साफ कह रखा था कि हम एक बोरी भी प्राइवेट एजेंसीज को नहीं देंगे। उसके कारण कहीं कोई किल्लत नहीं आई, खाद समय पे मिलता था, एडवांस स्टॉकिंग होती थी सोसाइटी में गोदाम में और खाद आसानी से मिल जाता था। भाजपा के राज में अब आप फिर देख रहे हैं कि किस तरह से किल्लत हो रही है। उसका कारण क्या है? ये लोग अधिकांश जो कोटा आता है केंद्र सरकार से वो प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं, प्राइवेट ट्रेडर को दे देते हैं और वो कालाबाजारी करते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के राज में 80% हम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से बिकवाई थी और 20% व्यापारियों के, उसमें भी 20% में भी लोगों ने कालाबाजारी करने का प्रयास किया। जब उन्होंने सख्ती से कार्रवाई की तो कई लोगों को उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यदि आज मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकना है तो पूरा वितरण सहकारिता के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, निजी हाथों में नहीं देना चाहिए, तभी जाकर कालाबाजारी रोक पाएंगे। क्योंकि आज यूरिया जो है 500-550 रुपया बोरी में बिक रहा है, मिल नहीं रहा है और कई बड़े किसानों ने हत्या लिया है और वे उसकी कालाबाजारी में व्यापारी का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि पूर्ण वितरण खाद का सहकारिता के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए, निजी व्यापारी द्वारा नहीं कराना चाहिए। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।